अब तक आपने सुना। तोतो चान को रेलगाड़ी वाला स्कूल बेहद पसंद आया। यहाँ कब क्या सीखना है इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। माँ ने तोतो चान के लिए जो टिफिन भेजा था उसकी खूब तारीफ हुई। उसमें कुछ समंदर से था और कुछ पहाड़ से भी। खाने के बाद सभी बच्चे सैर पे जाना चाहते थे। कहाँ और कैसे, आइए सुनते हैं। तोतो चान ने अपना टिफिन थोड़ा थोड़ा करके सबको खिला दिया और फिर दूसरों के टिफिन से थोड़ा थोड़ा लेके बहुत कुछ खा लिया। तोतो चान इतना खा चुकी थी कि खेलते वक्त उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था। जब सब बच्चे लौट के क्लास में आए तो मैडम ने उनसे पूछा, तुम लोगों ने सुबह मन लगा के काम किया है, तो बताओ दोपहर में क्या करना चाहोगे? बच्चे एक साथ चिल्लाए, सैर पे चलेंगे। मैडम मान गई और बच्चे तुरंत बाहर की ओर भागे। तो अपने पापा और अपने कुत्ते चीनू के साथ अक्सर सैर पे जाती थी। उसे घूमने में बड़ा मजा आता था, पर दोस्तों के साथ घूमने का मजा ही कुछ और था। दूसरे बच्चों ने बताया कि जब भी वो अपना काम पूरी लगन से करते हैं, मैडम अक्सर उन्हें घुमाने लेके जाती हैं। स्कूल से बाहर निकलते हुए 9 के 9 बच्चे मैडम के चारों ओर उछल कूद कर रहे थे। वे सब एक नहर के किनारे किनारे चलने लगे। पगडंडी पतली सी थी। नहर के दोनों ओर चेरी के पेड़ लगे थे जो फूलों से एकदम लदे हुए थे। नहर के उस पार थे खेत, पीली सरसों के खेत। दूर जहां तक नजर पड़ती थी सिर्फ पीले खेत ही खेत नजर आते थे। नहर के अंदर कुछ मेंढक उछल कूद कर रहे थे। बच्चे उनको देख के हंस रहे थे। हम मंदिर तक जाएंगे, एक लड़की जिसकी फ्रॉक पर खरगोश बने थे उसने कहा। उसका नाम था साको चैन। साको को बातें बनाना बड़ा पसंद था। बोली, पिछली बार हमने तालाब के पास एक सांप देखा था। मंदिर में एक पुराना कुआं है, लोग कहते हैं उसमें एक तारा टूट के गिरा था और न जाने क्या क्या। चलते चलते सभी बच्चे तरह तरह की बातें कर रहे थे। आकाश का रंग उस समय गहरा नीला था और हवा में तितलियां पंख फड़फड़ा रही थी। जब बच्चे लगभग 10 मिनट चल चुके थे तो मैडम जरा रुकी। कुछ खिले हुए पीले फूलों की ओर इशारा करते हुए बोली, जरा इन सरसों के फूलों को तो देखो, तुम्हें पता है ये फूल कैसे खिलते हैं? इसके बाद वो फूलों के बारे में बताने लगी। बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए। मैडम ने बताया कि तितलियां फूलों की खिलने में मदद करती हैं। बच्चे अपने आसपास की तितलियों के पीछे पीछे भागने लगे। रंग बिरंगे पंखों वाली तितलियां इधर उधर उड़ रही थी, मानो खूब मन लगाकर काम कर रही हो। अगर बच्चों को तितलियों की भाषा आती तो वो उनको बतलाते कि इस काम के लिए वो कितने शुक्रगुजार हैं। और शायद तितलियां जवाब देती कि इस काम में तो उनको खूब मजा आता है। फूलों और तितलियों से आगे बढ़ने में बच्चों को थोड़ा वक्त लगा। आखिरकार वो मंदिर पहुंच ही गए और मंदिर पहुंचते ही इधर उधर बिखर गए। तारे वाला कुआं देखोगी? साको चांद ने पूछा। तोतो चांद तुरंत मान गई और उसके पीछे पीछे भागी। कुआं पत्थरों का बना था। उसकी ऊंचाई बच्चों के कंधों तक होगी। ऊपर था लकड़ी का ढक्कन। ढक्कन उठाकर तोतो और साको नीचे झांकने लगी। अंदर कुछ कंक्रीट का दिख रहा था, चट्टान जैसा, लेकिन तारे जैसा तो कुछ भी नहीं था। काफी देर तक अंदर झांकने के बाद तोतो बोली, तुमको
तारा दिख रहा है, साकू ने गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं तो? तो चांद सोच में पड़ गई, ये तारा आखिर चमकता क्यों नहीं? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, शायद सो रहा होगा। साकू चांद की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। उसने पूछा, तारे सोते भी हैं? तो चांद को इसका जवाब नहीं पता था, पर कुछ तो बोलना ही था। बोली, मुझे लगता है वे दिन भर सोते होंगे ताकि रात भर काम कर सके। कितना चमकना होता है। थोड़ी देर खेलकूद करने के बाद सभी बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए। कोई थकने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे तो यह मंदिर बच्चों ने कई बार पहले देखा था, पर हर बार उनको यहां कुछ नया मिलता था। मंदिर में लगी मूर्तियां सैकड़ों साल पुरानी थी। बच्चे उन पर अपना हाथ फेरते थे। उनकी लंबी नाक, चेहरे की मुस्कुराहट और पलके ना झपकाना बच्चों को बड़ा रास आता था। मंदिर में एक दानव के बड़े बड़े पैर भी छपे हुए थे। बच्चे बारी बारी से उसमें अपना पैर रखकर देखते थे, अभी वो कितने छोटे हैं। कुछ बच्चे चमकीले पत्थर चुनकर अपनी जेब में भरते जाते थे। उनकी जेब मोटी हो गई थी। पास ही में एक तालाब था जहां कुछ लोग नाव की सवारी के लिए आते थे। उन लोगों को देखकर बच्चे बड़े खुश होते थे, इशारों इशारों में उनसे बातें किया करते थे। तो चांद के लिए ये सब बिल्कुल नया था। पहले ही दिन सभी बच्चों से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। दूसरे बच्चों की तरह उसे भी अंदाजा नहीं था कि घूमने और खेलने का ये समय असल में इतिहास और जीव विज्ञान के बड़े जरूरी पाठ थे। बच्चों की शिकायत थी कि सूरज उस दिन थोड़ा जल्दी ढल गया। तोतो चांद का नाम सबको बड़ा पसंद आता था। यह नाम खुद तोतो ने ही रखा था। असल में उसका नाम तेत्सुको था। हुआ यह कि जब तोतो पैदा होने वाली थी तो किसी ने उसके माँ बाप को बताया कि उनको लड़का ही होगा। उन्होंने उसके लिए एक नाम भी सोच लिया, तोरू, जिसका मतलब जापानी में होता है गूंजना। जब तोतो पैदा हुई तो उन्होंने उस नाम को थोड़ा बदलकर तेत्सुको कर दिया और उसमें को जोड़ दिया, तेत्सुको चान। जब भी कोई तोतो से पूछता कि उसका नाम क्या है तो वो यही कहती, तोतो, तोतो चान। और बोलते बोलते उसका नाम ही तोतो चान हो गया। तोतो चान का स्कूल बदल गया, पर एक आदत नहीं बदली, चीजें खोने की आदत। तोतो को लगता था मानो उसकी चीजें खुद ब खुद कहीं चली जाती हूं। एक दिन स्कूल में उसका बटुआ खो गया, वही जो गोल लाल रंग का था। तोतो को अंदाजा था कि जरूर वो कचड़े के ढेर में खोया होगा जिसके आसपास वो दिन में मंडरा रही थी। बस फिर क्या था, वो स्कूल के पीछे गई जहां कचड़े का ढेर एक डब्बे में रखा था। उसने डब्बे को लुढ़का दिया और कचड़े की एक एक चीज निकाल कर देखने लगी। थोड़ी ही देर में पूरी जमीन पर कचड़े के टुकड़े बिखरे थे, पर बटुए का कहीं नामो निशान नहीं था। उसी वक्त वहां से हेडमास्टर जी निकले, हमेशा की तरह अपने हाथ बांधे चल रहे थे। उन्होंने तोतो को अपने काम में मगन देखा, बोले, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा बटुआ खो गया है, तोतो बोली। ठीक है, ढूंढते रहो, मिल जाएगा, हेडमास्टर जी बोले। और हाँ, मिलने के बाद इस कचरे को वापस अपनी जगह रख देना। बस इतना ही? तोतो को तो लगा था कि उसको आज डांट पड़ेगी,
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बटुआ तो नहीं मिला, पर इस कचरे के बीच में इतनी देर काम करके तोतों को बड़ा मजा आया। बिखराने में तो घंटों लगे थे, पर वापस डब्बे में डालने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। घर आकर तोतों ने यह बात मां को बताई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। हेडमास्टर की जगह कोई भी इंसान होता तो डांटता जरूर, नहीं तो कम से कम चार बातें जरूर सुना देता। माँ को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने तोतो चान के लिए सही स्कूल और सही टीचर ढूंढा है। उस रात तोतो चान को गहरी नींद आई, दिन भर की थकी जो थी। अगले दिन तोतो चान को एक गजब की खबर मिली। आज रात में एक नया डब्बा आने वाला है, मियो चान ने सभी बच्चों को बताया। मियो चान हेडमास्टर जी की तीसरी बेटी थी। स्कूल में 6 खाली डब्बे पहले से थे, अब 7वां आने वाला था। इसमें होगा क्या, सभी बच्चे जानना चाहते थे। मियो चान के पास इसका भी जवाब था। थोड़ा इतराते हुए वो बोली, नया पुस्तकालय बनेगा, ढेर सारी किताबें आएंगी। बच्चों में एक अलग ही रोमांच आ गया। आखिर इतना बड़ा डब्बा आएगा कैसे, एक ने सवाल किया। सवाल मुश्किल था, थोड़ी देर चुप्पी छा गई। एक बच्चा बोला, जरूर वो पटरियां बिछाएंगे और पटरियों के सहारे ही डब्बा स्कूल तक आएगा। पहले पहल तो सब मान गए, फिर किसी ने याद दिलाया, बीच में बड़े सारे घर और दुकानें हैं, उनको तोड़ा थोड़ी जाएगा। बच्चे एक बार फिर सोच में पड़ गए। जरूर किसी ठेले पर रख के लाया जाएगा, एक बच्चे ने सुझाव दिया। अरे जाओ, इतना बड़ा ठेला कहाँ होता है जिस पर रेल का डब्बा लाया जा सके। ये जवाब भी गलत निकला। इसके बाद तो जितने बच्चे उतने अनुमान, सब अपनी अपनी कहानियां बना रहे थे। एक बात थी, हर बच्चा रुक के ये देखना चाहता था कि आखिर ये डब्बा आता कैसे है। मियो चान हेडमास्टर जी के पास अनुमति लेने गई थी। सभी बच्चे सांस रोक के बैठे थे। उसको आने में थोड़ा वक्त लगा, पर जैसे ही वो आई उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सभी बच्चे झूम कर हवा में उछलने लगे, एक दूसरे को तालियां देने लगे। उसने कहा, रेल का डब्बा रात को आएगा, जिस जिस को देखना हो घर से परमिशन लेकर आओ, और हाँ अपने साथ अपने पजामे और कंबल भी लाना। पजामे कंबल, बच्चे झूम उठे। उस दिन तो पढ़ने में किसी का मन नहीं लगा। स्कूल के बाद तोतो चान भागी भागी घर पहुंची। जैसे ही उसे माँ मिली वो एक ही सांस में बोली, डब्बा, पजामा, कंबल। माँ को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने तसल्ली से तोते से पूछा और तब उन्हें सारी बात समझ में आई। रात के खाने के बाद माँ ने तोतो चान का पजामा निकाला, कंबल लिया और तोतो चान के साथ खुद स्कूल गई। 8-10 बच्चे वहां अपने माँ बाप के साथ आए हुए थे। सारे बच्चों को छोड़ने के बाद सभी बड़े लोग वापस लौट गए। हेडमास्टर सभी बच्चों को सभागार ले गए, बोले, रेल के डिब्बे में तो अभी वक्त लगेगा, तुम सब सो जाओ, मैं तुमको जगा दूंगा। बच्चे कंबलों में दुबक गए। हर कोई एक दूसरे से शर्त लगा रहा था, कौन पहले देखेगा। बच्चों ने सोचा वो बिल्कुल नहीं सोएंगे, रेल के डिब्बे आने तक जागे ही रहेंगे, पर दिन भर से वो इतने उत्साहित थे कि थक कर सो गए। आ गया डब्बा, आ गया, इन आवाजों के शोर के साथ तोतो चान उठी, उछल के बाहर आई। सुबह के धुंधले में एक बड़ा सा रेल का डब्बा दिखने लगा। ये सपने की तरह था, न आवाज न पटरिया। रेल का डब्बा
एक बड़े ट्रेलर में रखा था जिसे रेलवे का ट्रैक्टर खींच रहा था। इससे पहले तोतो चान या किसी भी और बच्चे ने ट्रैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं देखी थी और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने बड़े रेल के डब्बे को भी खींचा जा सकता है। सुबह की खाली सड़क पर ट्रेलर पर लदा रेल का डब्बा धीरे धीरे चल रहा था। इसके बाद कुछ लोग लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों से उसे फंसाकर नीचे उतारने लगे। ध्यान से देखो, हेडमास्टर जी ने कहा, इस तरह से रैंप बनाकर इतने भारी रेल के डब्बे को भी उतारा जा सकता है। सभी बच्चे आश्चर्य भरी आंखों से देख रहे थे। मेहनत मजदूर एक ताल में बोलते थे, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, और सूरज मानो उनकी आवाज से ताल मिलाता ऊपर उठ रहा था। स्कूल में मौजूद बाकी 6 डब्बों की तरह ये डिब्बा भी हजारों यात्रियों का बोझ ढो चुका था। इसके चक्के हटा दिए गए थे। यात्रा काल पूरा हो चुका था। अब बस इसे बच्चों की खिलखिलाहट ढूंढनी थी। बच्चे बेहद खुश थे। सब बच्चे हेडमास्टर जी को घेर कर खड़े हो गए। कोई उनके पैरों से लिपट रहा था तो कोई उनके हाथों से खेल रहा था। हेडमास्टर जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके स्कूल का एक नया हिस्सा आज शामिल हो रहा था। बच्चे हर दिन नई नई चीज़ें सीख रहे थे, नए नए तरीकों से सीख रहे थे। उनको सीखने का चस्का लगता जा रहा था। और क्या कुछ नया होने वाला था तोतो चान की ज़िंदगी में, आइए सुनेंगे अगले एपिसोड में।